नमस्कार आदाब। सभी शोपियान के लोगों को सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि हमारी जो फर्टिलिटी एक्चुअली रेट है वो 0.5% पर है। मतलब कि हमारे टोटल जो अभी तक 2200 या 2300 के आसपास केसेस आए उनमें केवल 10 फर्टिलिटीज़ हुई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे पॉजिटिव्स तो आए हैं काफ़ी, बट फर्टिलिटीज़ का इसका रीज़न जो जाता है लोगों को SOPs का पालन किया लोगों ने। दूसरा चीज़ क्या है कि वैक्सीनेशन का अच्छा जो पेनिट्रेशन रहा है, लगभग 99% लोगों ने वैक्सीन लिया है फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज उनका जो 3 महीने के बाद में यानी 12 हफ्ते के बाद जो टाइम आएगा उसमें सेकेंड डोज लोगों को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि लोग जो होम आइसोलेशन में हो पूर्ण तरीके से उसका पालन कर रहे हैं, जिनके घर के सामने पोस्टर चिपकाए गए हैं, जो सिविल सोसाइटी हमारी जो लंबरदार हैं, जो चौकीदार हैं या फिर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, गांव के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि स्ट्रिक्ट सर्विलेंस हो रहा है। सबसे अहम बात उसमें यह है कि इस बार सरकार द्वारा उनको मेडिकल किट्स भी दी जा रही हैं, जो भी पॉजिटिव हैं और सिम्टोमेटिक हैं उनको किट्स भी मिली हैं। तो उससे लोगों को पता चल जा रहा है उनका ऑक्सीजन लेवल कहीं गिर तो नहीं रहा है, उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या है और ट्रेजेक्टरी क्या बन रही है। जो डिस्ट्रिक्ट से कुछ बातें पर्टेन करती मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि आज ही हमारी सारे तहसीलदार BDO सबकी मीटिंग हुई है, तो हम हाउस टू हाउस सर्विलेंस शुरू करने जा रहे हैं, आज से ही शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक स्क्रीनिंग होगी कि कहीं ना कहीं आपको सिम्टम तो नहीं है किसी चीज़ का या कोविड से रिलेटेड कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो अगर कोविड से रिलेटेड कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएट आपकी टेस्टिंग की जाएगी और अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। उसके बाद क्या है कि हमारी जो टेस्टिंग है वो हम स्केल अप करने जा रहे हैं। पहले टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर PSCs लेवल पे होती थी, CSCs लेवल पर, अब हम उसको PSC और सब सेंटर्स लेवल तक ले जा रहे हैं। और सारे तहसीलदारों को टारगेट भी दिया गया है कि मतलब मिनिमम इतने लोगों की टेस्टिंग हो, और टेस्टिंग उन जगहों पे ज़्यादा हो जहाँ प्रेविलेंट केसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर कोई हमारा माइक्रो कंटेनमेंट डिक्लेयर हुआ है या कोई ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो वहाँ टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है रिसेंटली कि हर पंचायत लेवल पर 5 बेड्स बनाने हैं ट्रिपल केयर सेंटर के नाम से, जिसमें CCC यानी कोविड केयर सेंटर के नाम से। तो उनकी तैयारियां पूरी तरीके से चालू हो गई हैं, सोमवार तक सारे बेड्स इन प्लेस हो जाएंगे और उसमें एक बेड एटलीस्ट ऑक्सीजन बेड होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। और ऐसा हम प्रयास भी कर रहे हैं कि कम्युनिटी लेवल पर वो अरेंज हो जाए ताकि कोई भी लोग जो सिम्टोमेटिक आते हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिलती और बहुत सीरियस नेचर के नहीं है लेकिन कुछ ऐसे नेचर के भी नहीं है कि उनको होम आइसोलेशन में रखा जा सके, तो हम उनको कम्युनिटी लेवल पर भी रख सकते हैं। उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, डॉक्टर्स का भी रोस्टर बना दिया गया है, डॉक्टर्स भी विजिट करेंगे। और जो हमारा लोगों का जो कोऑपरेशन रहा है हमारे लिए बहुत अभी तक का बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रेजवर्दी रहा है। लोग पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, कहीं जगहों पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं पर हम उनको ध्यान नहीं दे, लोग इतने समझदार खुद हैं कि वो जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं चाहे पुलिस हैं चाहे मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और इवन जो हमारी एजेंसीज हैं इन्फोर्समेंट की हम भी उनसे अपील करते रहते हैं बार बार कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल आपस में रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इस समय काफ़ी प्रशंसनीय है। लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसे ही इस चीज़ को आप कंटिन्यू करें। साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स की जैसे प्रॉब्लम है, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मेरे पास दुकानदार भी आए थे कि थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो जो आपका रूटीन का काम है वो एज यूजुअल चलेगा, नरेगा का कोई भी पेमेंट आपको नहीं रुकेगा, काम चल रहे हैं, PWD के जो भी काम है या फिर PHE के जो भी काम है वो सारे अपने पेस पर चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास वर्किंग सीजन कम है तो इसी पेस से चलाना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है कि जितनी भी स्कीम्स हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपको मदद मिलती है, चाहे वो स्कॉलरशिप की स्कीम हो या फिर पेंशन की स्कीम हो या फिर लेबर्स जो हैं उनको कुछ मदद देना हो, तो वो अपने तय सीमा में अपने स्पीड से चलाई जाएंगी और जल्द ही जल्द, जैसे डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनको देंगे भी। तो लोगों से कहीं ना कहीं एक अपील करना चाहूँगा इसके माध्यम से कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आप एहतियात बरतते हैं काफ़ी आसान है।
हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आप जिस हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी का माहौल है। हम 40 बेड, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, टुकरू में ऐड करने जा रहे हैं, काम शुरू भी हो गया है, कल से शुरू हो रहा है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर केलर के लिए भी हम लगे हुए हैं कि मैनिफोल्ड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई हो, तो हम पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। इवन हमें डायरेक्शंस हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो थर्ड वेव के लिए भी हमें तैयार रहना है। लेकिन हम कितनी भी तैयारी करें अपने लेवल पर, ये हम तभी जीत सकते हैं जब लोगों का सपोर्ट रहेगा। और जिस हिसाब से आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये आप कंटिन्यू करें, घर से तभी निकलें जब आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी घर से निकलें, अदरवाइज अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ अच्छे से रहें, उनको कोऑपरेट करें, पूरा कोऑपरेशन दें, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। अदरवाइज ये कोई कानून एवं व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रोका जाए तभी ये कोरोना रुक जाएगा। कोरोना एक बीमारी है, एक आपदा के फॉर्म में महामारी है, तो ये तभी रुक सकता है जब हम अपने आप को बचाएंगे। अगर आप एक्सपोज होते हैं तो ये कोई किसी के बिना उपचार के तो इसको रोक पाना फिर संभव नहीं हो पाएगा, अगर एक बार आप कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो। अच्छा यही रहेगा कि आप लोग कॉन्टैक्ट में ही ना आए, सारी सावधानियां बरतें। फिर से हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिला प्रशासन आपसे रिक्वेस्ट करता है, मास्क जरूर पहने, हाथ धुलते रहें समय समय पर, और पूरा SOPs जो भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।